अब हम करने जा रहे हैं किया सेल्टोस का किचन फटाफट बाहर। टन टन नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर एंड नंबर फाइव, और अगर कुछ रह गया है तो नंबर से। सो वेलकम बैक टू द चैनल लक्स ऑन द ट्रेल, और मैं लक्की बोल रहा हूँ किसके सौजन्य से, ट्रिपल ए एडवेंचर के सौजन्य से। और आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई गाड़ी जो कि है सरप्राइज। देख गई सरप्राइज, हाँ बचाई नहीं। तो ये है भाई साहब किया की सेल्टोस। जी हाँ, किया सेल्टोस बनाई है हमने। इसके अंदर हमने बनाया है 6.1 फीट का बेड जो कि है ऑलमोस्ट 44 इंच चौड़ा। बाकी सारा किचन वगैरह सारा वैसा ही है जैसा बाकी गाड़ियों में होता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस गाड़ी का था, जो कि हर इस टाइप की गाड़ी का होता है, इसकी स्टेपनी अंदर है। हालांकि स्टेपनी यूज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल स्टेपनी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी स्टेपनी भी अंदर है, तो किस तरीके से हमने उसको डिज़ाइन बनाया है हमने इस बार कि आप स्टेपनी भी निकाल सकोगे बिना किचन को बाहर निकाले। जी हाँ, किचन को बिना बाहर निकाले आप स्टेपनी भी आराम से निकाल सकते हो, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, और वो बताऊंगा मैं वीडियो के बीच में कैसे। तो चलो फिर फटाफट शुरू करते हैं सेल्टोस का श्री गणेश और खोलते हैं अपना हम किचन विद बेड। तो चलो फिर देर किस बात की, खुल जा सिम फैन। तो दोस्तों यह है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा सेटअप। और इस सेटअप की खासियत क्या होती है कि जब आपको गाड़ी में कैंपिंग नहीं करना है तो आप इस तरीके से गाड़ी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल देखो, पास से दिखाओ ज़रा, सारी सीटें ना अपनी जगह लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ लग रहा है कि यार क्लटर हो गया है। वो सीटें हमने आगे कर दी हैं क्योंकि हमने बेड ओपन करना है। ये सीट जैसी थी वहीं पर आ गई है, ठीक है। और उसके पीछे हमारा ये सेटअप होता है, और इसमें भी आप ये जो हमारे बेड के तीन फट्टे होते हैं ना, इसको आराम से अपने घर पर रख सकते हो। इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये फिक्स नहीं है, नटों के ऊपर टाइट किया हुआ है। कोई गाड़ी के अंदर छेद वगैरह हम नहीं करते हैं एक्स्ट्रा। जो सीटों के होते हैं ना नट बोल्ट, उसी के साथ हम इसको अटैच करते हैं। तो ये अगर लगा भी रहे सिटी के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके ऊपर आपका सामान भी काफ़ी आ सकता है। तो सबसे पहले हम सेटअप करते हैं बेड। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा की तरह सीट को करना पड़ता है डाउन। ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, और सीट गई हमारी, सीट चली गई ना। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। तो ये सीट हमारी नीचे आ चुकी है, किया की सीट ना काफ़ी नीचे आती है। तो अब हम निकालेंगे अपनी ये सारी एसेसरी, देखो लगी हुई है। तो ये हमारी कुछ एसेसरी होती है जिसके ऊपर हमारा बेड टिकता है, और ऐसा टिकता है कि उसके ऊपर फिर चाहे आप दो तीन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने हाथी टिका लो, बेड कहीं नहीं जाने वाला। तो अब करते हैं फटाफट श्री गणेश। इसमें सबसे पहले तो सबसे छोटी वाली रॉड है, ये हमारी सपोर्ट है किचन की, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये दो रॉड हैं इक्वल, जो दो रॉड हैं वो एक यहाँ लगेगी एक वहाँ लगेगी, हमेशा की तरह यहाँ पर। ये जो हमने बना रखा है, ये जो उंगली देख रहे हो मैडम की थी, और ये वाली जो रॉड होगी वो इन दोनों को अटैच करेगी। तो कैसे करेगी, बड़ा इजी है। इसको डालेंगे हम इसके अंदर, ये चली गई स्मूथ। इसको डालेंगे हम इसके अंदर, ये चला गया, कितना इजी है देखिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, और ये हमारा पीछे चला गया बहुत, ये आ गया, ये चला गया इधर, और उधर लगाएंगे इसको। तो ये हमारा देखो जी कितना सिंपल मैकेनिज्म है। अभी बस ये हमारा जो बंडल है आ जाएगा यहाँ पर, ये लो, ये ऐसे ये देखो जी बेड हमारा डन हो गया है। अब हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर भी पहले कब्जा लगाया था ताकि इसको अलग से हटाया ना जा सके, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम इसको ऐसे ऐसे पलटते हैं ना तो यहाँ लगता है, गाड़ी हमारी ऐसे कर्व होती है ना, तो इसलिए हमने किचन से इसको सेपरेट कर दिया है। अब ये इतना सॉलिड है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये हमारा बेड, तो ये जो ह्यूज है ना 6.1 इंच का ये हमारा बेड जो कि हमारा 43 इंच चौड़ा
हालांकि इधर देखो काफ़ी जगह बाकी है, तो जब आप गद्दा बनाओगे तो उसको थोड़ा सा चौड़ा और कर सकते हो, लेकिन ये भी इनफ है दो बंदों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ओपन करेंगे अपना किचन। तो अब हम ओपन करने जा रहे हैं अपना ब्यूटीफुल प्यारा छोटा सा किचन। तो इसमें क्या खास बात है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो यहाँ पर ना हमने क्लिप लगा रखा है, ये वाला पास से दिखाओ ज़रा, ये क्लिप लगा रखा है। इस क्लिप का रोल ये है कि अभी पीछे हमने एक वॉश ट्यूनर बनाई थी, तो मैम का फ़ोन आया कि यार जब गाड़ी चलती है ना तो हमारे ड्रॉज बार बार बाहर आते हैं, झटका लगता है फिर अंदर जाते हैं क्योंकि वो स्मूथ बहुत है। तो फिर हमें लगा कि नहीं इसका कुछ जुगाड़ करना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक क्लिप लगा दिया है। अब जब तक ये क्लिप लगा हुआ है ना ये बाहर नहीं आ सकते। तो बाकी हमारे जितने भी क्लाइंट जिनकी हमने आज तक गाड़ियाँ बनाई हैं, अगर उनमें से कोई भी बंदा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो प्लीज़ मुझे फ़ोन करें, या तो अगर गाड़ी लाएंगे तो हम क्लिप लगा देंगे उनको, अदरवाइज़ उनकी लोकेशन पर हम इसको कुरियर भी कर देंगे ताकि वो उनको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। क्योंकि जब पहाड़ों पे गाड़ी चढ़ेगी तो हो सकता है ड्रॉज नीचे आए, तो जब उतरेगी तो फिर उधर जाए, तो वो टक 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 अगर हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ओपन। देखो बहुत ईजी है, इसको किया हमने ऐसे ओपन, बस ये यहाँ से ये हो गया टाइट और यहाँ से ये हो गया ओपन बस। अब ये हमारा ट्रिपल ए एडवेंचर का लोगो विद फ़ोन नंबर, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत जल्दी। फिलहाल हम करते हैं इस ब्यूटीफुल हैंडल को से इस ड्रॉज को ओपन। ये आ गया जी, जबर। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम कुछ भी रख सकते हैं। आंधी आंधी चलने वाली है, बहुत ज़्यादा हीट इसके ऊपर नहीं रखना है, अगर रखना है तो कोई स्टैंड अप ले लीजिए स्टडी सा। फिर एक हमारा आएगा यहाँ से, ये आ गया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ से शुरू ओपन होगा हमारा सिंक, सिंक आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास इस बार जगह बहुत कम थी तो सिंक हमने फिक्स नहीं किया है, वो जगह बहुत लेता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना प्लेटफॉर्म, जो हमेशा आप देखते हो कुक टॉप रखने के लिए, ये इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की स्पेशली ये डिमांड थी कि वो यहाँ पर रखेगा 2 बर्नर का हॉब, तो उसके लिए हमने बनाया है। इसको यहाँ से काट दिया गया है ताकि वो आराम से अपने चूल्हों को यहाँ से ऑन ऑफ कर सके। चारों तरफ स्टील है ये, कि अगर उसकी जो हीट होगी ना उससे हमारा कोई भी यहाँ पर डैमेज ना हो, या कोई भी ऐसा मतलब रिस्की काम नहीं करना जिससे आग लग सकती हो। फिर कह रहा हूँ जहाँ पर भी कुकिंग करो मेक श्योर कि हमारे नीचे स्टील हो, साइडों में भी स्टील हो और नीचे भी स्टील हो। तो ये है इसकी एक छोटी सी लुक। और इधर आओ मैडम, अब यहाँ से हमारी किचन की स्टोरेज के लिए आता है एक और दरवाज बाहर हमेशा की तरह। ये देखो स्पेस देखो इसके अंदर, इसके अंदर आपके सारे मसालदानी से लेके छोटे मोटे स्पून वगैरह सब, जो प्लास्टिक के आजकल मॉडलर बने आते हैं ना रैक आते हैं, उसको रख दो जिसके अंदर खाने बने होते हैं, उसमें स्पून रखो जो मर्जी रखो फुल है। अब इसके अलावा और स्पेस कहाँ से आएगा भाई, बड़े बर्तन कहाँ जाएंगे, बड़े बर्तन यहाँ जाएंगे। ये देखो जी, ये देखो, ये हमने नीचे जो है वो प्लेट नहीं लगाई है, अगर हम प्लेट लगा देते स्टेपनी नहीं दिखती लेकिन जगह वेस्ट हो जाती, तो इसलिए हमने वो नहीं लगाई है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि चारों तरफ जगह ही जगह है। यहाँ पर हमारा ये कान खुलते हैं हमेशा की तरह ऐसे, ये खुला ऐसे, ये बेल्ट टाइट करती है इसको, यहाँ बहुत स्पेस है। ऐसे ही एक फ्लैप वहाँ पर है, वहाँ पर भी बहुत स्पेस है। ये देखो बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है। ये आ गया हमारा सिंक, ऐसे होता है ओपन। ये देखो जी, ये हो गया ओपन और ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। ये लो जी, टन टन लो जी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा टैब। तो ये हमारी किचन कंप्लीट। तो दोस्तों ये था किया सल्टोस के अंदर हमारा किचन विद ह्यूज बेड, जो कि आपके सामने। अभी हम करते हैं इसको पैकअप। पैकअप करना बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे अपना सिंक, क्योंकि ये फिक्स नहीं है इस बार। और मेक श्योर कि जब आप इसको पैक करें तो ये ड्राई हो, ऐसा ना हो कि पानी से लब भरा हो और अंदर आ जाए बाढ़। इसको फ़िलहाल हम रख देते हैं अपनी इस स्टोरेज के अंदर। ये चला गया यहाँ पर, ये गया। अब ये हम करेंगे टन टन बंद, इसको करेंगे हम फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड
और ये तीसरा फोल्ड। किचन कहाँ है हमारा? किचन है हमारा सारा अंदर। बाकी जो भी सामान इधर इधर उधर पड़ा होगा, कैंपिंग चेयर, टेबल, अगड़म शगड़म, दालें वाले, चीनी, मोटा अनाज, पतला अनाज, सब जाएगा इसके अंदर। और जो कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है लंबा लंबा, कोई रोड़े वोड़े, तो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी हमारी यहाँ पर। जब आप इसको करते हो तो टाइट लगता है क्योंकि वहाँ पर बेल्ट आती है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना, यहाँ जाएगी। तो अब आपको दिखाना क्या है, स्टेपनी बाहर कैसे आएगी, के लिए हम कह रहे हैं पहले बेड को पैक। तो चलो करते हैं हम बेड पैक, उधर से आओ। बेड पैक करना हमेशा कितना बहुत आसान है। ये जाएगा हमारा ऐसे और ये जाएगा हमारा ऐसे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमारा बेड बनता है। ये हमारा बेड जो कि तीन पार्ट में है, और ये हमारी यहाँ पर किचन जो कि एक ही पार्ट में है। एक डंडा बाहर खींचो, बाहर ये आ गया यहाँ से, ये आ गया यहाँ से। अभी इनको हम यहीं पर रख रहे हैं क्योंकि आपको क्या दिखाना है, स्टेपनी कैसे निकलेगी। अब आ गया है वो पल जिस पल का था सबको इंतज़ार, के किया सेल्टोस की स्टेपनी बिना किचन को बाहर निकाले कैसे बाहर आएगी। बहुत ईजी है, उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है एक सिस्टम, एक क्लिप ये लगा हुआ है, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। एक क्लिप यहाँ लगा हुआ है, उसको ओपन कर दिया है, और जो आगे वाला क्लिप था ना, ध्यान रखना है कि वो ज़रूर ओपन हो, वरना वो उखड़ जाएगा, ठीक है। क्लिप हमने ओपन कर दिए हैं, क्लिप हमने ओपन कर लिए हैं। मैडम वहाँ खड़ी है, कहीं दरवाज बाहर ना आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और इसको कर देना है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओपन। ये देखो जी, अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये हो गया ऊपर, देख रहे हो आप, ये मैंने पकड़ा हुआ है। और ये हमारी स्टेपनी, यहाँ से इसको निकालो आराम से, बाहर निकालो और वापस इसको, वापस कैसे करेंगे, इसको रख देंगे हम वापस नीचे ऐसे, ये आ गया नीचे, और यहाँ से क्लिप कर देंगे हम बंद। ये आ गया, दैट्स इट, एक क्लिप यहाँ से बंद होगा और वहाँ से बंद हो जाएगा, और स्टेपनी आ गई हमारी बाहर। था ना यूनिक और यूनिक और यूनिक आइडिया, ब्यूटीफुल यार। तो ये था हमारा किया सेल्टोस के अंदर किचन प्लस बेड, इसको हमने पैक कर दिया है, जो कि था बहुत ईजी। आपको भी अगर इसी तरीके का अपनी गाड़ी के अंदर सेटअप बनवाना है तो आपको क्या करना है, आपको करना है इस नंबर पर फ़ोन 8800184AAdventure। और मैं हूँ लक्की, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों हमारी जो पिलर है ना, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ पर, देखो बहुत ही एक अच्छी जगह इनकी यहाँ बनी हुई है। ये यहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये जो बड़ा वाला ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अंदर यहाँ पर, और एक और बड़ा वाला है वो भी जाएगा अंदर ए ए ए ए यहाँ पर, और एक और बड़ा वाला जाएगा यहाँ पर, और एक और बड़ा वाला जाएगा, और सीट हो जाएगी कैसे, ऐसे। मिलेंगे फिर किसी नई लोकेशन पर नई कार और नई वीडियो के साथ। आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके के वीडियो अगर पसंद है, इसी तरीके का अगर कंटेंट देखना पसंद है, तो आपको करना है लक्स ऑन द ट्रेल को फॉलो। अगर आपको लगता है कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और लाइक करना तो बनता है। मुझे पता है आपको बहुत पसंद आया है और आप बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, तो आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि भैया लाइक किए बिना मत जाना। तो अब हम आएंगे एक नई गाड़ी के साथ, और ये पीछे थी हमारी क्या, किया सेल्टोस। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई लोकेशन पर किसी नई गाड़ी के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।